रामपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। हरिया बहुत अकलमंद था लेकिन उतना ही आलसी भी था। अरे सुनते हो, जरा मेरी थोड़ी मदद करो, इन लकड़ियों को रसोई तक रखवा दो, मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। अरे भाग्यवान, अपनी इस लंबी जुबान से उठाने की कोशिश करो, हो सके हो जाए। हरिया दिन भर बिना कोई काम किए घर वापस आ जाता। अगर वह किसी दिन कुछ पैसे कमा भी लेता तो जब तक घर का सारा सामान खत्म नहीं हो जाता वो वापस कमाने नहीं जाता। उसकी पत्नी लक्ष्मी उसके आलस से बहुत परेशान रहती थी। अरे आलसी महाराज, उठ जाओ, कम से कम आज तो कुछ काम कर लो, सुबह से बस सो रहे हो और अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है, अभी की अभी जाकर कोई काम करके राशन लेकर आओ। हरिया उठ जाता है और घर के बाहर जाकर सोचता है, अरे यार ये राशन भी आज ही खत्म होना था, मुझे कितनी जोर की नींद आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर जंगल में आराम करता हूँ और फिर वहीं से लकड़ियां बाजार में ले जाकर बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे घर का राशन ले आऊंगा। इतना बोलकर हरिया जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में पहुंचकर एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है और कहता है, अरे वाह, इस पेड़ के नीचे कितनी छाया है और कितनी हवाएं चल रही हैं। यहाँ सोने में तो आनंद ही आ जाएगा। यहाँ से लकड़ियां ना ले जाकर इस पेड़ से आम ले जाऊंगा और बाजार में बेच दूंगा। वैसे भी तो पूरा दिन पड़ा है, थोड़ी देर ऐसा करता हूँ, सो लेता हूँ, फिर शाम को जाते वक्त यहाँ से आम ले जाऊंगा। हरिया पेड़ के नीचे सो जाता है और शाम हो जाती है। तभी उस रास्ते से एक साधु बाबा गुजरते हैं। साधु बाबा बहुत दूर से आ रहे थे और उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी थी। अरे भाई, कौन हो तुम और इतने घने जंगल में अकेले क्यों सो रहे हो? अब तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। हरिया आलस में इतना चूर था कि साधु बाबा को देखकर भी नहीं उठा। आपको मेरा प्रणाम। अब आप मुझे बताइए, आपको मुझसे क्या काम है और मुझे आराम करने दीजिए। यह आदमी तो बड़ा ही आलसी है। चलो भाई, मुझे माफ करना, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। आपको देखा तो सोचा आपसे पूछ लूँ, आपके पास थोड़ा पानी मिल जाए तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। यह आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये छोटा सा काम मेरा कोई एहसान नहीं होगा। मेरे थैले में पानी पड़ा है, आप इसमें से ले लीजिए और पी लीजिए और जल्दी यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। साधु बाबा हरिया के थैले में से पानी पी लेते हैं। तूने मुझे पानी पिलाया है, अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए तो तुम मांग सकते हो। अरे बाबा, आपने अगर पानी पी लिया है तो कृपया करके यहाँ से चले जाइए और थोड़ी देर मुझे सोने दीजिए। साधु बाबा को हरिया की बातें अजीब लगीं, इसलिए वे वहाँ से चले जाते हैं। जब शाम होती है तो हरिया आम इकट्ठा करके बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार में आम को बेचकर अपने लिए राशन लेकर घर चला जाता है। इस बार का राशन केवल 3 ही दिन चल पाया। सुनो जी, आप कब तक ऐसे ही करते रहोगे? चुपचाप यहाँ से जाओ और अच्छे से काम करो और घर का राशन लेकर आओ। लक्ष्मी के डांटने पर हरिया फिर से वहाँ से चला गया और फिर से उसी आम के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। थोड़ी देर में फिर से वही साधु बाबा वहाँ आए। अरे बेटा, देखो तुम्हारे पास एक आम पड़ा है, उठ जाओ और ले लो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। अरे साधु बाबा, अगर आपको यह आम चाहिए तो यह ले लीजिए, लेकिन मुझे परेशान ना कीजिए और यहाँ से जाइए, मुझे सोने दीजिए। अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। साधु बाबा की यह बातें सुनकर हरिया तुरंत उठ खड़ा हुआ। फिर साधु बाबा अपना एक कड़ा निकालते हैं। ये लो बेटा, तुम ये कड़ा ले लो, ये बहुत ही कीमती कड़ा है, तुम इस कड़े से अपने परिवार का और अपना जिंदगी भर पेट भर सकते हो। साधु बाबा हरिया को कड़ा देकर वहां से चले जाते हैं। कड़े को पाकर हरिया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने कड़े को हाथ में पहना और आम लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन घर के थोड़े नजदीक जाते ही उसके हाथ से वह कड़ा निकलकर वहीं गिर गया। कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन हरिया जब उसी जंगल में आम इकट्ठा कर रहा था तो वही साधु बाबा फिर से वहां आ जाते हैं। तुम फिर से यहां आम इकट्ठा कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतना कीमती कड़ा दिया था, उसका तुमने क्या किया? साधु बाबा, जब मेरे किस्मत में यही सब करना लिखा है तो आपके कड़ा देने से मेरे किस्मत थोड़े बदल जाएगी, और वह कड़ा तो पता नहीं रास्ते में कहां गिर गया। देखो बेटा, तुम बात तो सही कह रहे हो, जो भी अपने किस्मत में है वही मिलेगा,
लेकिन यह बात भी सच है कि बिना कोई काम किए किसी को कोई फल नहीं मिलता। रुको, मैं अभी तुम्हें दूसरा कड़ा देता हूं। नहीं साधु बाबा, मेरे पास जो भी है मैं उसी से काम चला लूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो जितनी मेहनत करता है उसे फल उतना ही मीठा मिलता है। इसलिए तुम अपना आलसीपन छोड़ो और मेहनत करो। हरिया ने भी अपना थैला उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब साधु बाबा की बात उसने अच्छे से समझ ली थी। उसने ठान लिया था कि अब वह रोज मेहनत करेगा और अपना आलसीपन छोड़ देगा। इतना सब सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। हरिया ने लक्ष्मी को सारी बात बताई और समझा कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। उसने अपना आलसीपन छोड़ दिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हरिया की जिंदगी सुधरने लगी और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा।